नमः शिवाय। हम जब जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं कि इस दिन क्या करना है, कौन सा दान करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं कलर के, क्या नहीं करते हैं कि हमें सक्सेस मिले। मेरा यह मानना है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है और भगवान की कृपा आपके साथ है और एनर्जीज आपके घर की बहुत अच्छी है, जहाँ से आप ऑपरेट करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ की एनर्जीज अच्छी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब बातों का एक कॉम्बिनेशन आपकी सक्सेस की प्लेट बनती है। क्यों नहीं हम अपने कॉन्फिडेंस को अचीव करते। कॉन्फिडेंस अचीव करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय देने जा रहा हूं। इसके साथ साथ इस उपाय के इतने सारे फायदे हैं कि आपको लगेगा कि ये उपाय मैंने पहले क्यों नहीं किया। जब भी आप काम करने बैठते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, या कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर रहे हैं, क्या एक छोटी सी पहाड़ की फोटो, हाँ जी पहाड़ की फोटो आप अपनी पीठ के पीछे लगाइए। सामने जगह खुली होनी चाहिए, पीठ के पीछे दीवार होनी चाहिए और उस दीवार पे पहाड़ की फोटो होनी चाहिए। पहाड़ की फोटो माउंट कैलाश भी हो सकती है या किसी बाहर कंट्री के बहुत सुंदर पहाड़ भी हो सकते हैं जिसपे थोड़ी बहुत बर्फ, थोड़ी बहुत स्नो वो भी होगी तो भी चलेंगे, लेकिन झरने वाली फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीठ के पीछे अगर पानी आ रहा है तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब आप समझे कि मैं पहाड़ की फोटो क्यों लगवाना चाह रहा हूं, कि आपकी पीठ के पीछे एक बहुत बड़ी अगर फिगर है जिसको हम पहाड़ बोलते हैं, पहाड़ जैसी मजबूती वो आ जाती है, तो आपकी पीठ के पीछे खड़ा हो गया पहाड़ जो कि बहुत मजबूत है, तो आपको हिलने नहीं देगा और सपोर्ट की तरह आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो इस सपोर्ट को आपने भी अपने साथ लेकर के आना है। ध्यान दीजिएगा कि आपकी फेसिंग यहाँ पे नॉर्थ होनी चाहिए या ईस्ट होनी चाहिए, तो पहाड़ की जो तस्वीर है वो कहाँ लगेगी बताइए मुझे। पहाड़ की तस्वीर लगेगी साउथ की दीवार पे या वेस्ट की दीवार पे, दोनों दीवारों पर ये तस्वीर, ये पिक्चर आपको फायदा दे सकती है। कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट में बड़ी तस्वीर होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में जितनी भी जर्नीज हैं वो इजीली कंप्लीट हो जाएंगी, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो सब वाइप आउट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पहाड़ आपके पीछे है। और अगर माउंट कैलाश लगाते हैं, भगवान शिव का जो अबोर्ड है वो लगाते हैं, तो समझिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग आपकी लाइफ हो सकती है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स तो आपने सामने की जगह खुली रख के खत्म कर दी और पीठ के पीछे पहाड़ की फोटो लगा ली। तो करिए आज ही अपने पीठ के पीछे पहाड़ की फोटो और बताइए मुझे अपने कमेंट्स में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स में लिखते हैं कि हमें ऐसा फील हुआ, हमें ऐसा फील हुआ। और आ रहा हूँ मैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मुझे बुलाते हैं, मेरा होस्ट बनते हैं और सबके लिए इतना पुण्य कार्य करते हैं कि जो आप होस्ट बनके अपने घर के डिफेक्ट्स सबके लिए एक सीख की तरह देते हैं कि मैं उनको बताऊं कि कहाँ क्या डिफेक्ट है और कहाँ कैसे उपाय करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि वास्तु अप्लाई कीजिए, लाइव वास्तु हमेशा आपके साथ रहती है। ओम नमः शिवाय।